वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं रजनी सचदेवा। आज जो बहुत जरूरी का टॉपिक है, खुश रहना, उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। आजकल हर इंसान, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो फैमिली हो या कोई भी चीज हो, उसके चक्कर में बहुत स्ट्रेस में घूम रहा है। कोई खुश नहीं है। चाहे हम बहुत बड़ी गाड़ी ले लें, बंगला ले लें, सब कुछ ले लें, लेकिन यदि हमारे वो कंफर्ट तो देंगे लेकिन वो हमारी खुशी नहीं मिलेगी। तो हमें आजकल जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है खुश रहना, क्योंकि हमें हर पल जिंदगी का ऐसे जीना चाहिए कि जैसे वो हमारा आखिरी दिन हो, और हमें खूब ही हंस के जीना चाहिए। कहते हैं कि जो प्रसन्न व्यक्ति होता है उसके अंदर ईश्वर भी निवास करता है। इसलिए सबसे पहला जो हमारा धर्म है वो है खुश रहना। ये इम्पोर्टेंट नहीं है इंसान उसको लाइफ को कैसे जीता है, ये इम्पोर्टेंट है एक दिन। लेकिन जितने मरने से पहले जो जिंदगी है उसके हर पल को जी लो अपनी जिंदगी, और खूब खुश रहो, खूब मस्त रहो, अपने हर एक पल को एंजॉय से जियो। जैसे कि होता है कि हम बड़ी बड़ी अपने एम रख लेते हैं लेकिन छोटी छोटी खुशियों को खुशी से जीना भूल जाते हैं। तो हमें जो अचीव हुआ है, जो हमें छोटी खुशी मिली है, उसको तो हम खूब खुशी से जिए, इतना खुश रहे, इतना खुश रहे कि हमारे जो अंदर एनर्जी लेवल है वो बहुत आ जाए। जैसे कि हमारा अच्छा टाइम होता है वो हमें कैसे पता ही नहीं चलता, हमारा समय कैसे बीत रहा है, लेकिन जो दुख का टाइम होता है वो कितना धीरे धीरे बीतता है। तो समझो कि यदि हम अपने अच्छे टाइम को, हम हर चीज को ऐसा अच्छा टाइम बिताएं और उसको खूब खुशी से बिताएं, तो हमारा समय कैसे व्यतीत होगा। जैसे ये अपने मन की सोच होती है। जैसे एक व्यक्ति होता है उसे बारिश बहुत अच्छी लगती है, उसे आहा बारिश में मजा आ गया। जो दूसरा व्यक्ति है उसे बारिश से चिढ़ोगी कि कितना गंदगी हो जाती है बारिश। तो ये हमारी बाहरी जो सिचुएशन है वो हमारे को अफेक्ट नहीं करती खुशी को, जो हमारे अंदर की सोच है वो हमारी खुशी को अफेक्ट करती है। यदि हमारा मन खुश होगा तो हमें सारी चीजें अच्छी लगेंगी, और इसलिए हमारे अंदर ही है, हमारी पॉजिटिविटी है जो हमें खुश रहने के लिए बोलती है। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिविटी वाले लोगों के साथ रहो। यदि एक पॉजिटिव बंदा अंदर आएगा और वो प्रसन्न होगा तो उसका पूरा माहौल जो होगा वो खुशी वाला हो जाएगा। यदि एक नेगेटिविटी वाला आएगा और वो चुप रहेगा तो पूरा माहौल नेगेटिविटी वाला हो जाएगा। अपनी जिंदगी को जिंदा दिली से जीना शुरू कर दीजिए। अपनी जिंदगी के एक एक पल को महसूस करना शुरू कर दीजिए। अपनी जिंदगी से इतना प्यार करिए, इतना प्यार करिए और खुशी से बिल्कुल बिताओ। जो आपको खुशियां दे, जो आपकी जिंदगी को हर पल खुशी दे, उस पल को समझो और वो अपनी जिंदगी में लेके आओ, जिससे अपनी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां लाओ। कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे कि हम जिंदगी को खूब खुशहाल कर सकते हैं। जैसे कि उबली हुई दाल खाना किसको पसंद है, सबको ही तड़के वाली दाल पसंद होगी। तो हम अपनी जिंदगी को कैसे एक्साइटमेंट में बिता सकते हैं वो मैं आपसे आज टिप्स शेयर करूंगी। जो पहला टिप है, आपने जो जिंदगी में नहीं किया हो वो करने की कोशिश करो, वो एंजॉय करो। जैसे कि आपने कभी ऑमलेट नहीं बनाया हो, आपने कभी रोटी नहीं बनाई हो, आपने कभी मैगी नहीं बनाई हो, वैसे वाले काम करने शुरू करो। तो जिंदगी में जिससे आपको मजा आए तो उसमें वो खुशियां लाओ। दूसरा टिप, जैसे कि आप अपनी जिंदगी में कुछ रीअरेंज करो कि अपने घर की सेटिंग हो या अपने दुकान की सेटिंग हो, उसको थोड़ा चेंज करो, तो उसमें आपको कुछ कुछ एक्साइटिंग लगेगा और कुछ मजा आएगा। जो तीसरा टिप है उसमें ये है कि जैसे कि हमारे को मोबाइल का इतना एडिक्शन हो गया है कि हम पूरे दिन उसमें बिजी रहते हैं, तो ऐसा करें एक दिन हम मोबाइल नहीं चलाएंगे और हम उसमें कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, तो हमें जिंदगी में कुछ मजा आएगा। तो ऐसे ही ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे काम करने चाहिए। जैसे कि फोर्थ टिप है कि अपनी फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ एक लॉन्ग ट्रिप बनाओ, उसमें इतना एंजॉय करो, इतना एंजॉय करो कि जिसमें कि आप हर पल खुश रहे। तो ऐसा कुछ ना कुछ नया करना चाहिए हमें अपनी लाइफ में। वो बोरिंग सी जिंदगी, वही सुबह का रूटीन, वही उठे, सब कुछ वही किया, तो उसमें मजा नहीं आएगा। एक टिप है कि जो हमारा डेली का रूटीन है, यदि हम जल्दी सो जाते हैं और जल्दी उठ जाते हैं तो लेट तक सो और देर तक उठो, उसको अपना थोड़ा रूटीन चेंज करो, तो उसमें भी आपको जिंदगी में एक्साइटिंग में मजा आएगा। ऐसे काम करो, जैसे कि हम हमेशा अपने लिए तो जीते ही हैं, आज मैं अपनी मम्मी के लिए जीऊंगी या आज मैं उसके लिए जीऊंगी, तो हम दूसरे के लिए जिए 15 दिन, तो उसमें मजा आएगा। इसलिए अपनी जिंदगी में
खुद को कैसे हम चेंज ला सकते हैं, अपनी जिंदगी को कैसे खुशहाल बना सकते हैं, हमें वो टिप्स देखने चाहिए। क्योंकि हम यदि हम दुखों में ही डूबे रहेंगे कि उसने हमें ये कह दिया तो हम उस बात को लेके बैठे हुए नहीं, उस बात को फौरन भुला दो। जैसे हमें अपनी जिंदगी का रिमोट अपने हाथ में ही रखना चाहिए, हमें कंट्रोल दूसरे के हाथ में क्यों दें कि उसने हमें कुछ बोल दिया तो हमने उसको दिल पे लगा लिया। तो इसलिए हमें हमेशा खुश रहना है, कोई कुछ भी बोले, हमें अपने हिसाब से जिंदगी जीनी है। तो हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेके आ सकते हैं। ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं जिसमें कि हम अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा चेंजेस ला सकते हैं। इस स्ट्रेस भरी दुनिया में हमें ये चेंज लाने की जरूरत है, क्योंकि यदि हम खुश रहेंगे और हमारी मेंटल हेल्थ सही रहेगी तो हम बीमारियों में भी नहीं आएंगे और हम अपनी लॉन्ग लाइफ हम खुश रह पाएंगे और अपनी लाइफ को भी बढ़ा पाएंगे। तो इसलिए छोटी छोटी बातों को दिल पे ना लगा के ये अच्छे अच्छे टिप्स ढूंढे, और यदि आपको ये बात अच्छी लगी हो तो सीक्रेट ऑफ गुड वाइब्स को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हम लोगों के चेहरे पे खुशियां ला पाए और हैप्पीनेस बढ़ा पाए। क्योंकि खुशी हमारे जीवन का सबसे बड़ी चीज है, और हम खुशियां कहते हैं ना, खुशियां बांटोगे तो हमें और खुशियां मिलेंगी। तो हम जितना हो सकता है हम लोगों को भी खुशियां दें और हम खुद भी खुश रहें।